फ्लैटें बंद होने कारण कुछ लोग जो है दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं और उनकी टंकियाँ जो है इस प्रकार से छतों पर रहती हैं, ढक्कन नहीं होता है और टंकियाँ जो है डैमेज भी रहती हैं। तो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, इस टंकी में जो है साफ़ पानी है और साफ़ पानी में आप देखेंगे इसमें लार्वा चल रहा है। आप देख सकते हैं कि ये लार्वा चल रहा है, इसमें कितनी बड़ी लापरवाही है। तो सो गाइस, आप देख सकते हैं टंकियों में जो है कि इस तरह से ढक्कन नहीं होने कारण उसमें जो है हानिकारक मच्छर के लार्वा वो बन जाते हैं और वही एडल्ट मच्छर बन करके हमें काटते हैं। और फिलहाल तो मैं इसमें एक दवाई डाल देता हूँ। ये टाइम फॉस है, थोड़ी सी हम डाल दी हमने थोड़ी सी, और अब जो है कि थोड़ा सा तेल डाल देंगे ताकि फटाफट ये मर जाए और तेल जो है थोड़ी देर में उड़ जाएगा। ये तारपीन का तेल है जो कि हमने सिर्फ इसी टंकी में यूज़ किया है। ये टंकी ये है और ये तारपीन बाहर से लिया था शीशी में थोड़ा सा, और हमने इसमें डाल दिया है। और लकड़ी से इसको हम घुमा देंगे या बोतल से घुमा देंगे इसको, देख सकते हैं। इसमें बोतल है ऑलरेडी, पहले से बोतल है। ये कूड़ा भी हैगा, ये तार के तेल जो है इसमें बोतल रखी है, इसमें हम घुमा दे रहे हैं। सो गाइस, अभी जो है कि तार पेन डाल दिया है और जो है कि ये अभी थोड़ी देर में सारे लार्वा मर जाएंगे। और इस तरह से जो है डेंगू का जो लार्वा हैं वो नहीं होंगे। आप देख रहे हैं ये वाल बंद भी है ताकि इसमें पानी नहीं भरे, और इसमें जो है कि बरसात का पानी है जो इसमें भरा पड़ा है। तो सो गाइस, आप फ्लैटों को में अगर बंद बंद करके चले जाते हैं तो अपने टैंकियों को ज़रूर बीच बीच में आकर के ख्याल देखें, और ये ढक्कन नहीं है तो ढक्कन ज़रूर लगाएं।